राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर में पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह ने अपने सांसद कोष से दी गई डिजिटल एक्सरे लैब का आज उद्घाटन किया। इससे पूर्व भी डॉक्टर यादव द्वारा अलवर अस्पताल को 2 एयर कंडीशन एम्बुलेंस भी दी गई थी। आज अस्पताल में एक्सरे लैब का रिबन काट कर विधिवत उद्घाटन किया गया। अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में अलवर ही नहीं आसपास के जिलों से भी मरीज यहां इलाज कराने आते हैं। अलवर सांसद रहे डॉक्टर करण सिंह दिल के डॉक्टर हैं, इसलिए अस्पताल में संसाधनों की कमी को भी समझते हैं। पेशे से डॉक्टर रहे करण सिंह सांसद बनने के बाद भी मेडिकल क्षेत्र में लगातार आम जन की सेवा करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2 एसी एम्बुलेंस दी थी और बहरोड अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन दी थी। वहीं एसएमएस में भी उन्होंने अपने सांसद कोर से कई संसाधन उपलब्ध करवा चुके हैं। आज अलवर में उनके द्वारा दी गई डिजिटल एक्सरे लैब का उद्घाटन स्वयं डॉक्टर करण सिंह ने किया। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर मोहनलाल सिंधी, डॉक्टर सुशील पत्रा सहित अन्य डॉक्टर्स और स्टाफ कर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएमओ ने पूर्व सांसद का आभार जताया और बताया कि पुरानी एक्सरे मशीन से ज्यादा परेशानियां सामने आ रही थी, अब ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इसका लाभ मिल पाएगा। डॉक्टर चौहान ने बताया कि सांसद कोटे से पहले भी 14 लाख की 2 एम्बुलेंस दी गई थी और अब 7 लाख की एक्सरे मशीन डॉक्टर करण सिंह के द्वारा अपने सांसद कोष से दी गई है। माननीय डॉक्टर करण सिंह जी यादव जो कि दिल के डॉक्टर हैं और हमारे अस्पताल की जो बीमारियाँ होती हैं उसका भी इलाज करते हैं, क्योंकि हमारे अस्पताल को बारीकी से समझते हैं, हमारी समस्याओं को समझते हैं और हमारे एक निवेदन पर तुरंत इसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने हमको 2 एसी एम्बुलेंस दी थी और आज एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। एक दिन में ये जितने भी अपने एक्सरे कराए जाएंगे वो सभी कर दिए जाएंगे, तो इसलिए अब कोई वेटिंग या ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, अलवर का ये अस्पताल है जहाँ मैंने अपना चिकित्सा क्षेत्र की शुरुआत की थी। मैं यहाँ पर डॉक्टर रहा हूँ, सर्जन रहा हूँ और मुझे सौभाग्य मिला अलवर की जनता की ओर से यहाँ का सांसद बनने का। तो सांसद कोष से मैंने ये मशीन यहाँ पर भेंट की थी और इतने बड़े चिकित्सा संस्थान में जितनी सुविधाएं दी जा सके उतनी ही कम है। तो मुझे बहुत खुशी है कि पीमल साहब ने, जॉन साहब ने, चिली साहब ने मुझे आज मौका दिया अपने पुराने अस्पताल में आने का, आप सब लोगों के दर्शन करने का, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ।